मियाँ खलीफा क्या मियाँ खलीफा क्या? नमस्ते, मेरा नाम राजा गोपाल होता और राज्य गौर में एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आता। आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहा हूँ उस वीडियो का नाम है हीरो पंती 2 इज द ग्रेटेस्ट मूवी एवर। ओ भाई साहब, ये ट्रिगर्ड इंसान की तरफ से एक और नया वीडियो आया, शायद मीम रिएक्शन वीडियो, पता नहीं किस टाइप का वीडियो है, कुछ रिव्यू वगैरह भी होगा। तो वीडियो देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है, किस टाइप का रिव्यू करता है इस मूवी का, वो भी है शायद। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल पर नहीं हो तो पूरा रिएक्शन वीडियो देखना। अगर ट्रिगर्ड इंसान के बहुत बड़े फैन हो ना, तुमको ये बहुत प्यारा लगता है और इसका रिएक्शन वीडियो देखने का शौक है और मेरा रिएक्शन वीडियो देख रहे हो, तो पूरा देखना शुरू से लेके एंड तक, ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट कर लेता, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। हेलो हेलो हेलो, इट्स मी योर फेवरेट फनीएस्ट यूट्यूबर इन द वर्ल्ड। दूर हट भाई, तुझे ट्रिगर्ड इंसान फनी लगता है? फिर वो बोला ट्रिगर्ड इंसान के रोज फनी होते हैं। यो WTF, ट्रिगर्ड इंसान फैन बेस रिवील। यूट्यूबर सक्सेसफुली कंप्लीट्स ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज बाय वाचिंग हिज ओन वीडियोस। यार क्या क्या मीम्स बनाते हो तुम, यार मीम बन चुका है तुम्हारा भाई। और आज ये मीम कुछ तड़कते भड़क, मेरा भी एक सपना है मैं भी एक मीम बन जाऊं, मजा आएगा देखने में कैसा लगता है। कंटिन्यू करते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स और उनके मीम्स पे हंसने वाला है, क्योंकि एक काम तो मैं बहुत अच्छा करता हूं और वो है जोर-जोर से हंसने का। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। ओके, वाह, ओ चीट कर रही थी, उसको उसको थप्पड़ मारा, ले तू भी खा, तूने उसको तू थप्पड़ का ये रैंडम बंदे को भी चपेट मार दी उसने। ओके, दैट अंकल वॉज लाइक रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम्हारा क्रिंज बर्दाश्त नहीं हो रहा सालो, चपेड़ क्या मारोगे, खुद को गोली मार ली टिकटॉक वाली। ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज सक्सेसफुली फेल्ड, पहली पहली मीम पे। सिंपल टेक्निक टू ब्रेक बुलेट प्रूफ ग्लास। तुम जिस ग्लास के अंदर खड़े हो वो बुलेट प्रूफ जरूर है लेकिन पत्थर प्रूफ नहीं। हेलो लॉजिक, एक सेकेंड, वो ग्लास बुलेट प्रूफ है लेकिन पत्थर प्रूफ नहीं है। अगर बुलेट जो गन से निकलने पे बहुत तेज स्पीड पे जाके ग्लास पे टच कर रही है और फिर भी ग्लास नहीं टूट रहा, तो फेंके हुए पत्थर से कैसे ग्लास टूट सकता है? आई नीड टू गूगल दिस। कैन पत्थर को इंग्लिश में स्टोन ब्रेक बुलेट प्रूफ ग्लास? ओह, किसी और ने भी सर्च करा हुआ है? एब्सोल्युटली नॉट, अ स्टोन वुड हैव नो इफेक्ट ऑन इट। मेन लाइन ये है कि भाई अगर एक बुलेट नहीं तोड़ पा रही ग्लास को तो एक पत्थर कैसे तोड़ देगा? ओनली मिथुंदा कैन डू दिस। मिथुंदा का नॉलेज तो कमाल का है। कितना खुश हो रहा है, देखो बहुत मजा आया, अपनी बगलों में लड़की का मुंह लगा के ऐसे कर दिया, बहुत अच्छा लगा, काश मैं अंधा ही होता। ये चीज देखने में इतनी वाहियात लग रही है, इसको करते हुए इतना वियर्ड नहीं फील होगा? कितना भी प्यार हो एक लड़के लड़की में, ये बगले कौन ऐसे चूमता है यार? ओके, होता होगा भाई, हमारे यहाँ तो नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। डिफरेंट प्लैनेट साउंड्स फ्रॉम स्पेस, मर्क्यूरी Venus. छोड़ी बच्चे हो क्या? छोड़ी बच्चे से याद आया, तुमने हीरोपंती 2 देखी है क्या? नहीं, नहीं देखी तो भी डोंट वरी, मैं देख के आया और मैंने एक छोटा सा रिव्यू भी लिखा है। एक एक करके मैं ये सारे क्रिंज पॉइंट्स जो है आपको सुनाना चाहूंगा। 39 मिनट्स 40 सेकंड्स पे इतनी गोलियां चल रही है उनके ऊपर पर एक भी गोली निशाने पे नहीं लग रही, इतनी क्लोज रेंज से भी एक भी गोली नहीं मार पा रहा विलन। और इस सब के बीच में हमारे टाइगर भाई जो है अपनी हीरोइन के साथ डांस कर रहे हैं, मीनवाइल गोलियां भी लाइक, अरे यार टाइगर है यार, कोई नहीं, हम
साइड से निकल जाते हैं। भाई साहब आप नाचिए, आप नाचिए। और ये विलन, इसके जीवन पे तो लानत है। 45 मिनट्स 27 सेकंड्स पे विलन ईस्ट की तरफ गोली चला रहा होता है और हीरो हीरोइन क्लियरली वेस्ट में खड़े हुए हैं। ये गोली चला का रहा है, इसकी लाइन ऑफ साइट किधर जा रही है और गोली कहाँ पे है? छोटी बच्ची हो गया। 50 मिनट्स पे ये गाड़ियों को कौन से दौरे पड़ रहे हैं? गाड़ियां हवा में गोल गोल घूम रही है, नीचे ही नहीं आ रही। हमारा टाइगर नीचे उतर आया, गाड़ी अभी भी रिंगा रिंगा रोजेस हवा में घूमी जा रही है। दो गाड़ियां टकराई और पलट गई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद 10 विलन 10 गाड़ियों में बैठ के आते हैं और उन ठुकी हुई गाड़ियों के बीच में अपनी गाड़ियां ठोक ठोक के पलट जाते हैं। अरे जब दिख रहा है सामने दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रखा है तो रोक लो गाड़ी। वो एक एक करके गाड़ी लाते हैं और वहां पे ठोक के अपनी गाड़ी पलटा देते हैं। और इतने में हमारा टाइगर जो है स्लो मोशन में वॉक कर रहा होता है। एक चलती हुई ट्रेन के अंदर एक विलन गाड़ी को लेजिट ठोक देता है, होल हो जाता है ट्रेन के अंदर, एक होल हो जाता है और गाड़ी उसके अंदर ठुकी पड़ी है। अब इसके आगे क्या हो सकता है, क्या होगा? विलेन लेफ्ट करता है गाड़ी को और गाड़ी ट्रेन के अंदर चलाना शुरू कर देता है। सल्लू कैसे पॉसिबल है? 1 hour 7 minutes के आसपास तो हमारे टाइगर भैया जो है वो उड़ना ही शुरू कर देते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर सामने एक ब्रिज सा आ रहा है जिसके ऊपर से हमारे हीरो को कूदना है, तो भाई जब हीरो कूदेगा तो उसकी लातें तो एटलीस्ट फोल्ड होंगी ना कूदने के लिए। भाई टाइगर भैया हाथ ऐसे करते हैं और क्रिश की तरह उड़ना शुरू कर देते हैं। टाइगर भैया मैं जानता हूं कि आप ऋतिक रोशन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, क्रिश मूवी होगी आपकी फेवरेट, लेकिन ऐसे करके सीधी लातों के साथ बंदा उड़ रहा है, अरे कम से कम जंप मारते हुए का तो कुछ दिखा देते, कम से कम थोड़ा लॉजिक ही बन जाता। यार ये मूवी इतनी बढ़िया है ना कि मैं जब देख के आया था मेरा रिएक्शन लेजिट कुछ ऐसा था, ओ मम्मी मां कसम अपनी जिंदगी में ऐसी मूवी नहीं देखी मतलब मैं वेट कर रहा था। यार आ रहा था ना जब अभी अपने मम्मी से बात करने के लिए, मेरे को थोड़ा अक्षय कुमार जैसा लगा यार, मतलब एक्सप्रेशन वगैरह भाई लेजिट था यार ये सीन में। कब खत्म होगी ऐसी मूवी, माइंड ब्लो। स्मॉल टाउन बॉय इन अ बिग आर्केड, वी वर ऑलवेज अ लूजिंग गेम। छोटी बच्ची हो गया बाबा, फोन में लगे हो, छोटी बच्ची हो गया। तू हीरो बनती करता रहा, ये मैंने कल देख वहाँ होर्डिंग देखा था रील लेवल का, ये सार्थक जोशी का वही सर्च कर रहा था। मुझसे पूछ लो सर्च क्या कर रहे हो, हीरो पंती मेरे को सब पता है। एक कॉमर्स का लड़का था जिसने कॉमर्स परस्यू करने के बाद बीकॉम ऑनर्स करी और ब्लू स्टैक जैसी टेक कंपनी में जॉब मिल गई इसको। पूछो कैसे? छोटी बच्ची हो नहीं जानते? देखो दो सिंपल से रीजन है, इंटरेस्ट और अपॉर्चुनिटी। अगले को कोडिंग में इंटरेस्ट था बचपन से, तो उसने अपनी बीकॉम की डिग्री करते करते भी कोडिंग कभी नहीं छोड़ी। लेकिन अपॉर्चुनिटी तो नहीं है ना आज के टाइम पे, जहाँ पे आपके पास एक टेक वाली डिग्री हो, अच्छा रिज्यूमे हो, उसके बाद भी आपको जॉब नहीं मिलती। पर उसको जॉब कैसे मिल गई? वहां पे उसकी किस्मत चमक गई, उसको मिल गया रीलेवल। उसने रीलेवल का फ्री का एक टेस्ट दिया अपने स्किल्स प्रूव करने के लिए और 15 दिन के अंदर अंदर उसको ब्लू स्टैक्स में जॉब मिल गई। एंड इतना ही नहीं, रीलेवल पे 36 लाख वर्थ के जॉब ऑफर्स एवरी डे ऑफर किए जाते हैं टू द कैंडिडेट्स। एंड रीलेवल लीडर बोर्ड के टॉप 3 कैंडिडेट्स को मिलते हैं एप्पल प्रोडक्ट्स जैसे कि मैकबुक, आईफोन एंड आईवॉच। अगर आप भी सार्थक की तरह अपना करियर चेंज करना चाहते हैं या फिर सेम करियर में रहकर ग्रो करना चाहते हैं तो रीलेवल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं रीलेवल का, विजिट रीलेवल नाउ। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। चांद का टुकड़ा मेरे लिए लेकर आएगा वो मेरा शौहर बनेगा, नाइस। बॉय रस्सी से चांद खींच रहा है, ले भाई ताली ले ले मेरे से। मैं कह रहा था हीरो बंदी 2 लॉजिक लेस है। और खींचो भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। ये मजाक हो रहा है, मजाक हो रहा है। हाँ भाई खींच लो चांद, खींच लो चांद भी, लाइक मेरी कोई इज्जत नहीं है। ये क्या हो गया, गाड़ी में बैठ के उड़ने लग गया, गाड़ी उड़ रही है। मियां खलीफा क्या, मियां खलीफा क्या? वाओ, चांद का टुकड़ा तोड़ लिया भाई, हैरी पॉटर वाली उड़ती गाड़ी से। ओ आ गया जमीन पर, आ गया। आपको यार इसको देखा देखा सा लग रहा है यार, कितने अदिति शर्मा तो नहीं है, पता नहीं नाम क्या तो भूल गया यार। चांद के टुकड़े और एक कद्दू में फर्क नहीं नजर आता है क्या? तालियां होनी चाहिए।
मैंने क्या देख लिया, रस्सी से चांद खींचा नहीं खींचा, गाड़ी उड़ा के ले गया, चांद को बोला मियां खलीफा, चांद का टुकड़ा नीचे गिर गया, वो उठा के लड़की को लेकर आया। इतनी मेहनत करने के बाद पता चलता है चांद का टुकड़ा तो था ही नहीं, वो तो कद्दू था। पैसा बर्बाद पैसा नहीं जिंदगी बर्बाद, साला इतनी मेहनत कराई उससे, फिजिक्स लॉजिक ग्रेविटी साइंस सब भाग भाग। माय लाइफ माय रूल्स माय स्टाइल माय लवली और हेट मी आई डोंट केयर। भाई गैस सिलेंडर बैग दिए पट गए। प्रो ओपी उड़ती हुई बाइक के गैस सिलेंडर। एक और है, एक एरोप्लेन आ रहा है, टायर शेर बन गया। साउंड इफेक्ट भी सेम है भाई। एक और है, माय स्टाइल माय एटीट्यूड यू लव भाई। देखा तुमने कैसे गए, बूम ब्लास्ट। ओ भैया, ओ बस यार, ओ नहीं इसके नहीं देखने और यार, पता नहीं क्या शेर बन जाता है, सांप बन जाता है, बाइक इसके ऊपर से चलते हुए जा रही है, पीछे एरोप्लेन को ऐसा किक मार के ब्लास्ट कर रहा है। भाई मेरे को एडिटिंग के लेसंस दे दो भैया, VFX गॉड है भाई ये बंदा। ये कौन सा तरीका है जस्टिस मांगने का? मेरा पति ही है मेरे बेटे का कातिल, खूनी को सजा नहीं मिल जाती तब तक मैं कोकिला मोदी अपनी चप्पल का त्याग करती हूँ। तो एक सेकेंड, तेरी चप्पल के त्याग करने से जस्टिस कैसे मिल जाएगा? व्हाट? इमेजिन मैं कोई एक रैंडम बंदा हूँ जिसने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया है, एंड वो मेरे पास आके बोलता है जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। I'm like, okay, dude, why would I care? भाग यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल। जब तक इस वीडियो पे 1 million लाइक्स नहीं हो जाते, तब तक मैं अपनी चप्पल का त्याग कर रहा हूँ। I wanna stay married, Dad, but it's crazy out there. Some of these girls, you should see them. Oh my God. रानू मंडल, she is very pretty. Very good. Wow. Nice. अरे यार नारुतो देख ले भाई, तब जिंदगी का मतलब पता चलेगा। नारुतो में ही जिंदगी की सच्चाई है। बिल्कुल, मैं डेली नारुतो देखता हूँ और यही मेरी सफलता का राग है। नारुतो देखने के पहले मैं बहुत परेशान रहता था, पर जब से नारुतो देखा तब से जिंदगी सवर गई। सही में मैं रोज सुबह नारुतो की पूजा भी करता हूँ और दिन में 10 बार नारुतो का जाप करता हूँ। जय बाबा नारुतो की। I also watch Naruto. मैं ऑलरेडी 80-90 एपिसोड देख चुका हूँ शिपुडेन के। Yeah, I love Naruto. जय बाबा नारुतो। अरे शनिवार राती हमें नींद नहीं आती, शनिवार राती हमें नींद नहीं आती। देखे तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? और अंदर से गीला भी, पहनो मैमी पोको पैंट्स। बचाए अच्छी नींद लाए मैमी पोको पैंट्स। Nice. वीडियो आपको दिल को टच कर लेगा दोस्तों। एक लड़का अंधे से टकरा जाता है। भाई साहब मैं अंधा और मजबूर आदमी हूँ, क्या आप मुझे खाने के लिए थोड़े पैसे देंगे? मुझे भाई साहब की मदद करनी चाहिए। भाई साहब ये तो दुष्यंत को करे जाए। जरूर दूंगा, ये लीजिए इसका आप खाना खा लीजिए। मतलब उसकी पैरोडी है। भले ही आपकी शक्ल गधे के गूं जैसी है लेकिन आपका दिल बड़ा ही नेक है। एक्चुअली लेजिट एवरी शॉट एवर। इसको कैसे पता है कि मेरी शक्ल गधे के गूं जैसी है? पता लगाना पड़ेगा। तो फिर वो लड़का चुपकर उसका पीछा करता है, सारी बातें सुन लेता है। अरे वाह, आज तो पौवे का इंतजाम हो गया, मैंने अच्छा काम निकलवाया। वो मुहावरे में कहते हैं ना, अपना उल्लू तिरछा करा लिया। एक्सक्यूज मी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। आपने गलत मुहावरा बोला, अपना उल्लू तिरछा करना नहीं, अपना उल्लू सीधा करना होता है। ये लीजिए हिंदी व्याकरण की बुक, आगे से इसे पढ़ के मुहावरा बोलिएगा। तो कहने से सीख मिलती कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। ऐसे रैंडम मुहावरा पेल दिया दोस्तों, मतलब तो मुझे भी नहीं पता। लाइक करें, फॉलो करें।
दिस वॉज लेजेंड दुष्यंत कुकरेजा की एवरी शॉट एवर. एक दिन मैं बाजार गया, वहां पे मेरे को 5 रुपए नहीं मिले, और मे बी किसी और की होगी, पर मेरे को उसका नाम याद आ रहा है क्योंकि ट्रेंडिंग पे हमेशा वही दिखता है. कोई और भी हो सकता है तो पता नहीं, मेरे को ऑफेंड ना होना. निव्या तो मुंडे फिर पक रख लै, भंगड़े दे विच तू लगा के रख लै, ओने कर ना किसी दिन. अगर आप लोग अपने इंटरेस्ट को परस्यू करते हुए एक अच्छी मनपसंद जॉब भी पाना चाहते हो या फिर अपने खुद के करियर में आगे ग्रो करना चाहते हो तो रीलेवल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. डू चेक इट आउट. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. भाई यार जल्दी जल्दी से 1 मिलियन लाइक करो, नहीं तो चप्पल ही नहीं पहनेगा यार, गलत बात. कल ही वीडियो आई थी और मैंने देखी थी वैसे थोड़ा सा, फिर नीचेश ने अपने कमेंट को पिन करा था, उसमें भी बताया भाई सब. तो भाई वीडियो ख़त्म हो गया. तो वीडियो कैसा था भाई सब, सीधा पहले वीडियो के बारे में बात करते हैं, ठीक है. वीडियो बहुत फनी था. एक बात कहना चाहता हूँ भाई, मेरा मन था और मैं वीडियो देखूँ यार. वैसे मेरे को वीडियो देखने से लगा 14 मिनट का वीडियो यार, काफ़ी बड़ा वीडियो है करके, थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बड़ा था करके. पर वीडियो शुरू करा पूरा एंड तक देखता रहा, मेरे को लगा नहीं भाई और नहीं, और मतलब अभी मत रोको और करो यार, और चलाते रहो, मज़ा आ रहा है आपका ये रिएक्शन रिव्यू वगैरह देख के भाई साहब, सीरियसली. और चलो पहले बात करते हैं जो मेन टॉपिक था हीरोपंती 2 के बारे में. भाई देखो, मैंने हीरोपंती 2 का ट्रेलर देखा था, मतलब उसका ट्रेलर के ऊपर मैंने रिएक्शन बनाया था चाहिए तो जाके मेरे चैनल पे देख लेना, बॉलीवुड टीजर एंड ट्रेलर रिएक्शन करके एक प्लेलिस्ट बना, उसमें देख लेना वैसे. और ट्रेलर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा था वैसे, और इसने फिर रिव्यू भी करा था वैसे पिछले वीडियो में, मतलब कि हीरोपंती 2 का ट्रेलर का वही सब. और मेरे को पता नहीं था ये लेजिट सीरियसली जाके ये मूवी देख कर आ जाएगा. लेजिट वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये भी यूज़ करता रहता है ना, इसलिए पता नहीं यार. बट जो भी हो, मैं भी मानता हूँ यार टाइगर श्रॉफ जरूर अच्छा, पर वो पता नहीं क्यों इतना इलॉजिकल मूवीज में काम करता है यार, सीरियसली कसम से बोलूँगा. वैसे उसने भी बोला था कि वो मतलब अच्छा एक्शन करता है, डांस कर लेता है, स्टंट्स कर लेता है, दिखने में भी सही है, बॉडी शॉडी अच्छी है. मैं भी सेम मानता हूँ बट अजीब सा लगता है. मेरे से पूछोगे अगर सबसे बेस्ट मूवी टाइगर श्रॉफ की जो लगे वो वैसे सिर्फ बागी 2, बिकॉज ऑफ स्टोरी, और काफ़ी रियलिस्टिक भी लग रहा था वो मूवी देखने में वैसे, सीरियसली. हीरोपंती 2 तो अभी मैंने देख ही नहीं वैसे, और 1 देखा था वो ठीक ठाक सा ही था वैसे. बट सीरियसली यार मानना पड़ेगा ट्रिगर्ड इंसान ने इतना शॉर्ट में जो इतना अच्छा अच्छा टाइमिंग पे रिव्यू करा ना, यहाँ पे ऐसा ऐसा सीन है, मैं भी इतना नोटिस नहीं करता पर देख लेता शायद, क्या पता वो जो गोली चलाने वाला सीन बोल रहा था भाई, सीरियसली यार. और अब बात करते हैं मीम्स के बारे में. मैं वैसे ही देख रहा था भाई, पर इसको मीम्स के ऊपर ये जो वीडियो बनाता ना, मीम्स रिएक्शन करके उस पर अच्छा व्यूज आता है. और ये वीडियो भाई सच में बोल रहा हूँ द बेस्ट वीडियो बोलूँ पता नहीं, बट मज़ा बहुत आया था. वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज ऑफ ट्रिगर्ड इंसान है यार, मीम्स के मामले में जो इसने बनाया था सीरियसली. वो शुरू वाला ही ले लो भाई साहब, सब आपस में दो लड़का एक लड़की बैठे, थप्पड़ इधर से थप्पड़, फिर उधर से, इधर से, उधर से, फिर ऐसा एक आदमी. मैंने भी एक्टिंग किया था, अच्छा लगे तो कर देना लाइक, ठीक है, सीरियसली. और वो भाई बेस्ट VFX एडिटिंग ऑफ द ईयर का अवार्ड अगर देना ना भाई उस आदमी को देना चाहिए. 3-4 वीडियो एक ही में लगातार ऐसे से जा रहा, पीछे से हेलीकॉप्टर आ रहा, यूं लात मारा धुट, फिर यूं उंगली से हाथों से गोली मार दिया भाई, पता नहीं क्या क्या कर रहा. और बाइक ऐसे यूं मतलब चढ़ के जा रहा जैसे मसाजर हो भाई सब, यूं ऐसे ले भाई तेरी मसाज करके जाता हूं, उस टाइप का सीरियसली यार. कितना मतलब अलग अलग लेवल का एडिटिंग करते हैं, मेरा भी मन करता है एक बार ऐप भी डाला था ऐसी टाइम पास के लिए, क्या पता तुम लोगों को दिखाऊं करके, पर छोड़ दिया. वैसे कभी चाहिए तो बता देना, क्रिंज और इलॉजिकल से भरपूर वाला इस टाइप का वीडियो चाहिए होगा ना, एडिटिंग अलग लेवल का हो तो बता देना, मैं एक ऐसे एक वीडियो बना के डाल सकता शॉर्ट वगैरह जो भी बोलोगे यार. ये एक और अच्छा था भाई साहब सीरियसली. और वो मेरे को तो अब समझ आया भाई, वो 1 मिलियन लाइक्स मतलब 1 मिलियन लाइक्स जब तक नहीं होंगे मैं चप्पल क्यों नहीं पहनूंगा, तब समझ आया भाई साहब. कोकिला नाम बोल रही थी ना वो, कोकिला बहन में चप्पल नहीं पहनूंगी, वाह क्या लॉजिक है भाई साहब. जस्टिस मांगने का अलग लेवल का आइडिया भाई साहब सीरियसली, कुछ भी मतलब उल्टा सीधा बनाते रहते हैं यार, क्या है यार कसम से. सारे मतलब मीम्स मेरे को बहुत अच्छा लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग. और भाई साहब वरुण धवन वो मेरे को बहुत अच्छा लगता, वन ऑफ माय फेवरेट हीरो है यार.
उसका वो शनिवार रात ही गाना अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद उसको नींद नहीं क्यों नहीं आती, मतलब नींद क्यों नहीं आती ना, वो एक्सप्लेनेशन अलग लेवल का था भाई साहब, सीरियसली यार। और एक और बात बोलना भूल गया, ट्रिगर्ड इंसान के फैंस बहुत खुश हो जाएंगे मेरी ये बात सुन के, ये बंदे ने इतना अच्छा गाना गाया था पर लास्ट में ऐसे क्यों मीम डाला, चुप बिल्कुल चुप, इतना अच्छा गाना गाया था भाई, इतना अच्छा पंजाबी गाना मैं भी नहीं गा पाता यार सीरियसली, क्योंकि यार मैं साउथ इंडियन तमिल वाला चेन्नई से चेन्नई एक्सप्रेस देखा है इसीलिए, बट सीरियसली अमेजिंग भाई, क्या गाना गाया, गाना मेरे को भी पता है वैसे, वो सुना सुना सा लग रहा है। बट मीम्स की बात करते हैं भाई सब, क्या वीडियो बनाता है मीम्स के मामले में, सीरियसली बैठ के भले ही हमारे जैसे बनाता पर ये अच्छा ओपिनियन देता और एडिटिंग वेडिटिंग भी थोड़ा कर लेता है, इसीलिए मैं तो सिंपल सा बैठ के हंसता रहता हूँ मेरे को क्या है, बट यार ये मीम्स के ऊपर भी रिएक्शन बनाता ना थोड़ा अलग लगता है इसका वीडियो देखने में मेरे को, मेरे से तो काफ़ी गुना बहुत अच्छा, मतलब कई गुना बहुत अच्छा बनाता है वीडियो, ये बेटर वीडियो बनाता है वैसे भाई। भाई एक लास्ट बात मैं यही कहना चाहूँगा यार, ओवरऑल वीडियो तो बहुत अच्छा था बट 14 मिनट की, यार काश और थोड़ा बड़ा बना था, मज़ा आता है सीरियसली, इतना एंजॉय किया ना मैंने कसम से, मज़ा आ गया। तो ओवरऑल बोलूँगा वेरी फनी एंटरटेनिंग, मज़ा क्या, मीम्स अलग लेवल का था, ट्रिगर्ड इंसान का सिंगिंग स्किल भी ऑसम, रिएक्शन रिव्यू सब बहुत अच्छा लगा था, मैंने तो काफ़ी एंजॉय किया यार, दिल खुश हो गया कसम से, बस थोड़ा और बड़ा होता मज़ा आता, कोई बात नहीं इतना भी बहुत है वैसे। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये रिएक्शन वीडियो पसंद आया तो मैंने पहले ही बोला था मेरे एक्टिंग के लिए लाइक कर देना ऐसे किया था करके, और चैनल पे नहीं हो ट्रिगर्ड इंसान के बहुत बड़े फ़ैन हो और तुमने मेरा पूरा रिएक्शन वीडियो देखे, जो कि उम्मीद है कि पूरा तो रिएक्शन वीडियो देखो, अगर फिर तुम्हें लगता है कि मैंने अच्छा बनाया मेरे चैनल में जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर देना। और एक और बात बोलना चाहता हूँ कि ये कल ही सैटरडे को 7 मई को ये वीडियो आया था, ठीक है, तो अगले दिन ही डाल रहा हूँ संडे को, तो प्लीज़ कोई अनसब्सक्राइब मत कर देना, ठीक है, मैं एक दिन लेट डाल रहा हूँ और भी लोगों ने डाल रखा है भाई, उनको कोई कुछ नहीं कहता पर मेरे को मत कहना, ठीक है। तो तुम बता देना, वैसे कम्युनिटी टैब में भी पोल रखूँगा, द रॉनी शो करके एक चैनल पता होगा, रोस्टिंग चैनल है भाई ट्रिगर्ड इंसान के जैसे, उसका कुछ RIP इंग्लिश पार्ट 18 मेरे हिसाब से पता नहीं कुछ आया है, तो उस रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट करके बता देना। तो मिलते हैं फिर कल किसी नए रिएक्शन वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।